भारतीय जनता पार्टी के देवरिया सदस्य सांसद रमापति राम त्रिपाठी के सुपुत्र एवं पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी की असामयिक मौत के उपरांत शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी एवं मद निषेध विभाग के मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री गोरखपुर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। तत्पश्चात मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर आबकारी एवं मद निषेध विभाग के मंत्री का भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्प देकर स्वागत किया। इस दौरान आबकारी मंत्री ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके संबंध में आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में कच्ची शराब, देसी शराब और नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ लगातार आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। यही आबकारी विभाग जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय आबकारी विभाग का राजस्व 14,270 करोड़ रुपए था, लेकिन आज योगी सरकार की नीतियों से आबकारी विभाग सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला विभाग बन गया है, जिसका कुल राजस्व 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार और अवैध शराब बनाने वालों पर शिकंजा कसा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राहुल श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आबकारी एवं मद निषेध विभाग के मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने कहा, समीर सिंह जी हमारे आइए समझ जाइए। अरे आइए आइए। ये है महेंद्र सिंह गिरी जी, मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष। नकली शराब, कच्ची शराब, देसी शराब, इसको रोकने के कठोर उपाय किए गए। इन्फोर्समेंट को बहुत सक्रिय किया गया है। पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए और बहुत लोगों को जेल में डाला गया है। बहुत लोगों की संपत्तियां कुर्क की गई जो ये काम करते थे, काफ़ी मात्रा में रुका है। फिर भी चुटपुट घटनाएँ हो जाती हैं जो अफसोसजनक हैं, लेकिन हमने काफ़ी कुछ रोका है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी, तब प्रदेश का आबकारी विभाग से जो रेवेन्यू आता था वो 14,270 करोड़ रुपए था, और आज की तारीख में ये रेवेन्यू 30,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, दो गुने से भी ज़्यादा है। इससे साफ दिखाई देता है कि अवैध शराब और भ्रष्टाचार, इस पर रोक लगी है और उसी के कारण हमारा रेवेन्यू बड़ी मात्रा में बढ़ा है, जो प्रदेश के विकास की गति को तेज करने के काम में आ रहा है।